हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ अमित। 2 मिनट और रुक जाती ट्रेन तो रेलगाड़ी में शायद न लगते टॉयलेट। 56 साल तक बिना शौचालय के चली थी गाड़ियाँ। भारत में आज स्टेशनों और ट्रेनों का कायाकल्प किया जा रहा है। इन्हें गति के साथ साथ सुविधाओं से भी लैस किया जा रहा है। वंदे भारत से लेकर शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस तक इसका उदाहरण है। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब ट्रेन में शौचालय तक नहीं था। हालांकि एक यात्री के पत्र ने रेल में यात्रा का अनुभव बदलने में बड़ा योगदान दिया। ट्रेन में शौचालय न होने की वजह से यात्रियों को काफ़ी परेशान होना पड़ता था। पैसेंजर्स ट्रेन के रुकने पर पटरियों के किनारे या आसपास के इलाके में टॉयलेट करने जाते थे। इस वजह से कई बार लोगों की ट्रेन भी छूट जाया करती थी। रेल पटरियों के किनारे टॉयलेट भागकर ट्रेन पकड़ने की कोशिश करते गिरे एक रेल यात्री द्वारा रेलवे अधिकारी को लिखे पत्र ने भारतीय ट्रेनों में शौचालय लगने का रास्ता साफ किया। भारतीय रेल में शौचालय की शुरुआत साल 1909 में की गई थी। शायद इसमें भी और देर होती अगर अखिल चंद्र सेन नाम के एक यात्री का रेल में सफ़र के दौरान पेट न खराब होता। पेट खराब होने की वजह से उन्हें पश्चिम बंगाल के अहमदपुर स्टेशन पर उतरना पड़ा। वे पटरियों के पास शौच करने चले गए, तभी गार्ड ने सीटी बजा दी और गाड़ी चल पड़ी। वे अपना लोटा और धोती पकड़कर भागे, लेकिन गिर गए और उनकी गाड़ी छूट गई। ट्रेन के गार्ड की इस हरकत की शिकायत उन्होंने लेटर लिखकर रेलवे के साहिबगंज मंडल कार्यालय से की। उनका लिखा हुआ यह पत्र आज भी दिल्ली के रेलवे म्यूजियम में रखा हुआ है। अखिल चंद्र सेन ने पत्र में लिखा, श्रीमान, मैं ट्रेन से अहमदपुर स्टेशन पहुंचा। मेरा पेट खराब था, इसलिए मैं शौच के लिए चला गया। मैं निवृत्त हो ही रहा था कि गार्ड ने सीटी बजा दी। मैं एक हाथ में लोटा और दूसरे में धोती पकड़कर भागा। मैं गिर गया और स्टेशन पर मौजूद औरतों और मर्दों सबने देखा। मैं अहमदपुर स्टेशन पर ही रह गया। यह बहुत गलत बात है। अगर यात्री शौच के लिए जाते हैं तब भी गार्ड कुछ मिनटों के लिए ट्रेन नहीं रोकते। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि गार्ड पर भारी जुर्माना लगाया जाए, वरना यह खबर अखबार को दे दूंगा। माना जाता है कि अखिल चंद के पत्र के बाद ही रेलवे अधिकारियों ने इस मामले को संज्ञान में लिया और 50 मील से ज़्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेनों में शौचालय बनाने की कवायद शुरू कर दी। यात्रियों को भले ही यह सुविधा 1909 में मिल गई हो, लोको पायलटों को रेल इंजन में इस सुविधा को पाने के लिए 2016 तक इंतज़ार करना पड़ा। 2016 से पहले लोको में टॉयलेट नहीं थे, इसके बाद वहां टॉयलेट लगने शुरू हुए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।